देखिए यहाँ पर लिख रहे हैं क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन 8 by 27 प्लस 5 by 27 प्लस 12 by 27। देखिए इसका जो डिनोमिनेटर है वो सेम है, डिनोमिनेटर अलग अलग है, तो डिनोमिनेटर सब सेम होते हैं तो हम इस तरफ करते हैं, तो हम इस तरह कर लेंगे, इसको हम अकेले लिख लेंगे, केवल एक संख्या इसमें लिखेंगे डिनोमिनेटर में से। तो देखिए 27 एट वाई एट उठा एट है सब को जोड़ देंगे ऐसे 8 + 5 + 2 है। अब देखिए 8 और 12 20, 12 होती है 20 + 5, तो 27 इन दोनों को हम जोड़ते हैं 25 by 27, यही मेरा आंसर है। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए दिया है 3 1 6 + 2 7 by 80 80 + 5 2 9। देखिए दिया है क्वेश्चन 3 1 6 + 2 7 18 5 2 9। अब देखिए इनको हम आपस में फ्रैक्शन कर लेते हैं सर। देखिए ये ऐसा इसकी फ्रैक्शन ऐसा ऐसा है, देखिए ऐसा टेढ़ी टेढ़ा है, हम इसको सोच करेंगे। देखिए इसका हम रिप्लाई इसमें कर लेंगे, इसमें हम जोड़ देंगे, तो 6 3 18 1 19 by 6 प्लस 18 × 36 18 × 36 = 43 by 18 प्लस अब इसका मल्टीप्लाई में 9 5 45 45 9 5 45 47 तो बाय 9। अब इसका हम क्या करेंगे एलसीएम निकालेंगे, तो इसका एलसीएम होता है देखिए इसका एलसीएम होता है 18, इसको हम ऐसे करेंगे ऊपर का संख्या एक उतार लेंगे 9 19 into इससे हम इसमें भाग दे देंगे, तो कितने बार में कट रहा है देखिए देखिए यहाँ पर आप लोग इसमें हम इससे भाग देंगे तो 18 इसमें ले लेंगे, अच्छा से भाग देते हैं तो 6 3 18 इतने बार में एक और आ रहा है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 3 प्लस। अब देखिए ऐसे जो 43 है हम ऐसे लिख देंगे इंटू 18 से भाग देंगे 18 बार में, तो देखिए यहाँ पर 18 से भाग में 18 बार में देंगे, तो 18 से भाग देंगे तो 18 × 18 से कट जाएगा, तो हम कितना बार लिखेंगे 43 × 1 बार में 18 कट जा रहा है प्लस अब देखिए 47 × 9 से भाग 18 में देंगे 9 से भाग अब फिर भाग देंगे तो ऐसे देखिए 18 by 9 9 से भाग लीजिए 9 × 18 कैंसिल हो गया। अब देखिए यहाँ दो बार में 18 से कट जा रहा है, तो हम क्या करेंगे इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, देखिए देखिए क्या करते हैं इसका इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए ये जो नीचे का है सेम वैसे उठा देंगे हम, अब इसका इसमें हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई कीजिए 9 3 9 27 27 को 7 8 2 3 1 3 3 2 5 प्लस 43 1 43 प्लस 9 2 से 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हुआ 14 14 को 4 हाथ में 1 इसका मल्टीप्लाई इसमें कीजिए 4 × 8 8 1 9। अब इसको हम सबको हम जोड़ देते हैं, देखिए 18 4 3
चार तीन सात, सात सात चौदह, चौदह को चार, हाथ में आया एक, नौ पान, नौ पान चौदह, नौ और पाँच चौदह, चार अठारह, अठारह और उन्नीस, इतना मेरा आंसर है। आशा करता हूँ भाई आप लोगों को समझ आ गया होगा।